वाली कैटेगरी में आप मुझे क्यों गिरा रहे हैं? ये वो आपको नहीं गिन रहा ना, मैं आपको फकी दे रहा हूँ कि अगर मर्द तलाक दे देता है तो मेरे पास बंद है सर। सर अली भाई, यही तो मैं आप सेंसिटिव ने समझिए, ये बहुत से लोगों के जद में और मैं उस जद में आ गया। वो कह रही है हम अल्लाह को जवाब देने के लिए, हम अल्लाह में, हम कयामत कुर्बे कयामत में हम अल्लाह को जवाब देने के लिए तैयार। मर्द अगर अपनी बीवी को तलाक दे तो ना हम उसे रोक सकते हैं, ना बीवी को तलाक लेने या खुला लेने से रोक सकते हैं। सिंपल बात है, बात खत्म होगी। चाहे वो अब मैं उन मर्दों से लड़ूं जो ज्यादती करके तलाक दे रहे हैं, नहीं रह रहा हूँ। बात उसने आपकी बात को पकड़ लिया है कि तुम अली भाई को फॉलो करते हो। मेरी बात को नहीं पकड़ा भाई, दीनी मसला ये, मेरी बात कहां से हुई? कल को कोई मर्द तलाक दे देता है अपनी बीवी को तो वो औरत ये कहेगी कि इंजीनियर साहब आपने तलाक दिलवा दी है यार। कोई भाइयों को ऐड करते हैं, सबसे पहले इंतखाब आलम भाई ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम इंतखाब आलम भाई, कहाँ से आप लाइव हैं, अपना सवाल करें। जी मैं जद्दा से सऊदी अरब से हूँ। माशाल्लाह जी इंतखाब भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अली भाई, बड़ी खुशी हुई आपसे इस टाइम बात कर रहा हूँ। जज़ाकल्लाह खैरा, सवाल करें अपना। अली भाई सवाल ही करें या मैं कुछ चीजों पर रोशनी डाल दूं? असल बेसिक मेरा सवाल, रोशनी तो आपने नहीं डालनी, आपने नहीं, सवाल नहीं, करना है। नहीं नहीं सर, भाई भाई या तो फिर आप मुझे थोड़ा सा अलग से टाइम दे दें। नहीं ऐसे हो ही नहीं सकता मेरे भाई, दुनिया में लाखों लोग हैं, मुझे अल्लाह ताला से आप 1,00,000 साल की जिंदगी ले दे तो मैं इंशाल्लाह टाइम दे दूंगा। नहीं नहीं बात, मैं यही समझ रहा था कि यही हो जाएगा मेरे साथ। असल में एक बहुत बड़ी जद आ रही है अली भाई, आप बात को थोड़ा सा सेंसिटिवनेस में समझिए। बहुत बड़ा जो है वो इशू होने जा रहा है, जो भी होने जा रहा है आप मुझसे सिर्फ सवाल करें मेरे भाई, सवाल करें। अगर आप वाकई इतने बड़ा सीरियस है तो टिकट कटा के जेल में आ जाए, इंशाल्लाह मैं आपकी बात सुन लूंगा। प्लीज मजबूर ना करें, अच्छा अपना सवाल करें, अगर है तो ठीक है, अदरवाइज ठीक है, नेक्स्ट भाई को मौका दे। नहीं नहीं सवाल, फिर मैं सवाल बना देता हूँ। ठीक है जी, ठीक है, एक लाइन में सवाल करें अपना, मैं समझ जाऊंगा। कोई भाई एक ही लाइन में सवाल असल में है नहीं, मैं किसी चीज से जो है वो डिसएग्री नहीं हूँ, लेकिन उसका सेंस गलत पकड़ में आ रहा है। डिसएग्री की तो बात ही नहीं भाई, सवाल आपको अगर कोई बंदा अब फेस करने के लिए ना बैठा हो तो वो ये कहता है कि सवाल करो, ये तो बात ही नहीं हो रही है। नहीं नहीं मैं आपसे पूरी तरीके से मुत्तफिक हूँ और उस बात पर भी मैं मुत्तफिक हूँ। अच्छा सुनिए, जो आपका मौकिफ है कि औरत का ये कह देना ही कि उसे खुला मतलब वो उसे आपके साथ नहीं रहना है, तो वो इसके लिए है और मैं भी इससे एग्री करता हूँ, तो ये आपका मशवरा है या आपका कंक्लूजन है या आपका ये फतवा है? ये मैंने अभी बना लिया, मुझे गनारा नहीं भाई, शरी मसला है। तो इसमें जो और चीजें जो कुरान आ रहा है, हदीसें आ रही हैं जिमनन सारी, वो उन सारे बैरिकेडिंग कोई कोई आयत हदीस नहीं आई है कि भाई औरत अगर साथ नहीं रहना चाहती तो आप उसे जबरदस्ती रखेंगे। नहीं मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि आप दूसरा पहलू देखिए, तो मैं उस एक्सट्रीम लेवल पर नहीं हूँ। या आप मेरे से सवाल करिए कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, या तुमने ये चीजें डिफॉल्ट करी हैं जिसमें वो आके ये बात बोल रही है, तुमने उसे जबरदस्ती रखना चाह रहे हो? मेरे भाई मुझे कोई लेना देना नहीं आपके मामलात के साथ, आप मुझसे एक लाइन में सवाल पूछे, मैंने आपको जवाब दे दिया कि औरत नहीं रहना चाहती उसकी मर्जी है, जिस तरह मर्द नहीं रखना चाहता वो तलाक दे सकता है, इस तरह औरत नहीं रहना चाहती वो खुला ले सकती है, दैट्स ऑल, ये शरी मसला है। इसके अलावा कोई बात है तो आप ये कह रहे हैं वो आखिरत का मसला है, वो अल्लाह ताला सवाल पूछे। जिस तरह आप मुझे बताइए, मर्द बदमाशी करके बीवी को तलाक दे देता है तो हम क्या कहेंगे कि इसने तलाक दी है तो तलाक वाकई नहीं हुई, ये कहेंगे? उस मर्द की कैटेगरी में आप मुझे क्यों गिरा रहे हैं? ये वो आपको नहीं गिन रहा ना, मैं आपको फकी दे रहा हूँ कि अगर मर्द तलाक दे देता है तो अगर मैं सर सर अली भाई, यही तो मैं आप सेंसिटिव ने समझिए, ये बहुत लोगों के जद में और मैं उस जद में आ गया। वो कह रही है हम अल्लाह को जवाब देने के लिए हम अल्लाह में हम कयामत कुर्बे कयामत में हम अल्लाह को जवाब देने के लिए तैयार हैं। जी जी मर्द अगर अपनी बीवी को तलाक दे तो ना हम उसे रोक सकते हैं, ना बीवी को तलाक लेने या खुला लेने से रोक सकते हैं। सिंपल बात है, बात खत्म हो गई। चाहे वो अब मैं उन मर्दों से लड़ूं जो ज्यादती करके तलाक दे रहे हैं, आप मुझे ये कह रहे हैं क्यों लड़ूं? मैं उस कैटेगरी में फॉल कर गया ना, फिर इस हिसाब से वो कह रही है कि मैं मुझे तुमसे आपकी ही बातों को पकड़ कर कि वो ये सब हो रहा है तो तुम भी उसी कैटेगरी में हो, मैं जबरदस्ती नहीं रख रहा हूँ। बात उसने आपकी बात को पकड़ लिया है कि तुम अली भाई को फॉलो कर। मेरी बात को नहीं पकड़ा भाई, दीनी मसला है ये, मेरी बात कहां से हुई?
कल को कोई मर्द तलाक दे देता है अपनी बीवी को तो वो औरत ये कहेगी कि इंजीनियर साहब आपने तलाक दिलवा दी है यार, कोई बात करें करने वाली। वो किधर गायब हो गए हैं?